हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस प्रकार अपने कान के छेद को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगी जिसकी सहायता से आप अपने कान के छेद को अच्छे से बंद कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कान में छेद होने के कारण आप कहीं प्रकार की झुमकी नहीं पहन सकते हैं। जब आप कोई बड़े बड़े कान के पहनते हैं तो उसके कारण कान के छेद बहुत बड़े हो जाते हैं, और जब कान के छेद बड़े हो जाते हैं तो आप उसमें छोटे कान के बिल्कुल भी नहीं पहन सकते और वो बहुत ही गंदे और भद्दे दिखने लगते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपके कान का छेद बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कान का छेद बंद करने के लिए चाहिए मोमबत्ती और सरसों का तेल। फ्रेंड्स, इन दोनों की मदद से आप किस प्रकार अपने कान के छेद को भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन दोनों का उपाय किस प्रकार करना है। फ्रेंड्स, आपको एक चाकू लेना है और एक प्लेट लेना है। अब फ्रेंड्स, आपको मोमबत्ती को इस प्रकार से छील लेना है। इस तरह से आप मोमबत्ती को काट लीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसमें आधी मोमबत्ती लूंगी, इतनी इतनी मोमबत्ती लेनी है मेरे को। फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरह से पूरी तरह से छील लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको पूरी मोमबत्ती भी आप ले सकते हैं, पर फिलहाल मैंने आधी ही मोमबत्ती ली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मोमबत्ती के इस प्रकार के टुकड़े कर दिए हैं। अब आपको या तो एक भगोनी लेनी है या फिर आप एक छोटी सी कढ़ाई ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह से एक बर्तन लिया है। अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी। अब फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर सरसों का तेल डालना है। आपको 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, आपको इसको गर्म करना है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, मोमबत्ती इसमें पूरी तरह से पिघल गई है। अब फ्रेंड्स, आपको एक कटोरी लेना है। अब उसमें इसको इस तरह से डाल देना है। फ्रेंड्स, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। जब इसमें मोम अच्छे से जमने लग जाएगी तब आप इसको अपने कान पर लगा लें। फ्रेंड्स, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं इसको इसकी बर्फ की कटोरी पर रख दूंगी, इसको इस प्रकार। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कुछ ही देर में यह जमना शुरू हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बाम बनना शुरू हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों अच्छे से मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छा बाम बन गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छा बाम बन गया है। फ्रेंड्स, आपको आपके कान के छेद पर इस तरह से इसको लगाना है। फ्रेंड्स, यह आप डेली लगाएं। फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपका कान का छेद बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको लगाएं और दोनों तरफ से आप कान के छेद को पैक कर दें। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छा और आसान नुस्खा है। फ्रेंड्स, इसको आप डेली लगाएं। इस प्रकार आप इसको लगाकर और इसी तरह से छोड़ दें। फ्रेंड्स, आप ये दोनों तरफ ही लगाएं। फ्रेंड्स, इसको लगाने से आपके कुछ ही दिनों में कान का छेद बंद होता नजर आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखें।
फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आप सवेरे भी लगाएं और रात को सोने से पहले लगाकर उसे और इसे सो जाएं। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। फ्रेंड्स, यह एक आप एक बार इसको ट्राई कर जरूर देखना, आपके कान के क्षेत्र में बहुत ही फर्क पड़ेगा इसको लगाने से। ये बहुत ही सिंपल है। आप मार्केट से एक मोमबत्ती ले आइए और सरसों के तेल में इसको मिलाकर लगा लें। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।